भगवान श्री राम भारत के प्राण हैं, भगवान श्री राम भारतीय संस्कृति की आत्मा है, भगवान श्री राम के बगैर भारत निष्प्राण है। भगवान श्री राम हम सब में जन जन में बसते हैं और इसी का आज ये परिणाम है कि आज इतनी संख्या में लोग यहाँ पर समर्पण निधि के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारे बीच केंद्रीय मंत्री, हमारे बड़े भाई, समय समय पर भाजपा दिल्ली प्रदेश को जिनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है, और एक छोटे से आग्रह पे भी वो कार्यक्रम में यहाँ पर आते हैं, आज हमारे बीच आए हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करेंगे और मेरे साथ बोलेंगे प्रकाश जावड़ेकर जी को जय श्री राम। श्री प्रकाश जावड़ेकर जी को जय श्री राम। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आज के इस अवसर पर हम सब लोगों का मार्गदर्शन करें। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता, हमारे संसद के साथी हंस जी, जिन्होंने सचमुच में राम जी के बारे में प्यार दिखाकर एक बहुत अच्छी राशि इस मंदिर निर्माण के लिए दी, के विश्व हिंदू परिषद के विनायक जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, सभी महानुभाव भाई और बहनों, पिछले कुछ दिनों से मेरा यही कार्यक्रम चलता है। मैं कल पुणे में था, लोगों को मिल रहे, और अभी मैं आपको भी बताता हूं, जाइए लोगों के घर और कोई मना करेगा तो बताओ, बताइए कि राम जी का मंदिर बनाने के लिए आपकी मदद चाहिए, लोग खुशी खुशी दे रहे। तो हमें सबके घर पहुंचना है, 10 रुपए से 10 करोड़ रुपए तक लोग दे भी रहे, कुछ लोग उससे भी ज्यादा देंगे। 10 रुपए 100 रुपए 1000 रुपए की कूपन है और बाकी अब तो मैंने कल एक जगह गया था, अच्छी राशि उन्होंने कबूल की, तो उनको भाई चेक इस नाम से लिखना है। बोले आप कौन चेक लिखता है, अब तो केवल नाम बताओ, अकाउंट का अकाउंट नंबर बताओ। वो गया, उन्होंने हमारे सामने मोबाइल पे डाला, यूपीआई से भीम ऐप से रकम पहुंच गई, तुरंत ऑटोमेटिक रसीद भी आती है। तो ये हो रहा है, कमी इतनी है, हमें जाना चाहिए। और इसलिए जो योजना से बना है इसमें पूरा परिवार लगा है, तो जो योजना से बना है जहां हमें जाने को कहा है वहां जाना है, उस गली में हर घर में, और अनुभव अच्छा है। कोई किसी के घर में काम करने वाले भी 200-500 रुपए दे रहे, कहीं भी जाओ पैसे लोग देना चाहते हैं। क्यों राम के लिए इतना भाव क्यों? क्योंकि इस देश के कण कण में है राम, और इस देश के जैसे शरीर में खून बहता है वैसा अगर एक कोई नाम घूमता है देश भर में तो वो श्री रामचंद्र जी का है, मर्यादा पुरुषोत्तम। कैसा राजा हो, कैसा योद्धा हो, कैसा जनता का कल्याण करने वाला हो, इस सबका एक आदर्श उन्होंने स्थापित किया। और इसलिए जब विदेशी आक्रमणकारी आए, बाबर आए, तब उन्होंने राम मंदिर ही क्यों तोड़ा? लाखों मंदिर है देश में,
लेकिन वो मंदिर उनको समझ में आया कि इस देश का प्राण अगर कहीं है तो वो राम मंदिर में है, इसलिए राम मंदिर पर आक्रमण हुआ। वो राम मंदिर पर आक्रमण होकर वहां एक ढांचा विवादित बनाया गया, वो मस्जिद नहीं थी, क्योंकि जहां इबादत नहीं होती वो मस्जिद नहीं होती है, लेकिन वो एक विवादित ढांचा था। और मैं तो प्रत्यक्ष साक्षी हूं, 6 दिसंबर 1992 में मैं युवा मोर्चा का काम करता था, तो हम अयोध्या में उपस्थित थे कार सेवक करके, मैं मंच पर था, लाखों कार सेवक, और एक दिन पहले हम रात को भी वही सोए थे उसी प्रांगण में, तो दिख रहे थे 3 गुंबद। दूसरे दिन दुनिया ने देखा कि एक ऐतिहासिक भूल कैसे समाप्त हुई। एक आक्रमणकारियों के निशान खत्म करते हैं, सभी देश खत्म करते हैं। विनायक जी ने कहा, पोलैंड का उदाहरण कहा, बाकी बहुत सारे उदाहरण, हमने भी यहां नाम बदले, वो देश के स्वाभिमान का प्रतीक बनता है। और सुप्रीम कोर्ट के सामने जब गया तो सुप्रीम कोर्ट में पहले तो कपिल सिब्बल जी कह रहे थे कि 2014 से चुनाव के बाद करो इसका फैसला, फिर चलता रहा कानूनी काम, तो बोले 2019 का भी चुनाव होने जाने दो, बाद में देखेंगे। लेकिन फैसला आ गया, सभी जजेस ने मिलकर, पांचों जजेस ने एक राय से वोट न्याय दिया, और जिस दिन आया निर्णय कि राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ, पूरे देश में एक लहर फैल गई, एक बहुत आनंद का माहौल फैल गया, क्योंकि देश की यह तमन्ना थी सालों से। और क्या फाइनल सबूत था, किसके आधार पर क्या हुआ, ऐसा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहां पूरी परीक्षण आधुनिक विज्ञान से, तकनीक से की, और जमीन के नीचे जहां ये विवादित ढांचा ऊपर बना था उसके बिल्कुल नीचे एक मंदिर का पूरा अवशेष, भग्नावशेष जो मिले, उसी से साबित हुआ कि वहां मंदिर था, वो तोड़ा गया और वहां फिर ये विवादित ढांचा बना। और इसलिए ये हुआ। लेकिन मुझे खुशी है कि राम केवल एक मजहब के नहीं रहे, पूरे देश के आज मानचिन्ह बन गए, और इसलिए सभी लोगों ने स्वागत किया, हर भारतीय ने स्वागत किया, बोले चलो एक बार पटाक्षेप हो गया, अब ये शांतिपूर्ण तरीके से राम मंदिर बनेगा, सबको खुशी है। तो ये माहौल आया, राम देश को एक करने वाले हैं, दाम राम देश के एकता का नाम है, और वो राम जी के कृपा पाने के लिए सभी लोग जो उत्सुक रहते हैं वो भी है, और राम दूसरे मजहब के लोग भी राम जन्मभूमि पर राम मंदिर हो रहा है इसका आज समर्थन करते हैं। ये एक देश का आंदोलन था और आज देश जीता है, तो इसके लिए अब पैसे लोग देना चाहते हैं, कहां दे तो उसकी सारी जानकारी दी है, और मैंने कहा लोग अभी चेक से देते हैं, कूपन से देंगे कुछ लोग, और बाकी लोग सीधा यूपीआई से भेजेंगे और तुरंत रिसीट आती है। तो ये एक बदला हुआ माहौल है, राम जन्मभूमि का आंदोलन ये देश के स्वाभिमान का आंदोलन था, देश में आत्मा की पुकार थी, और आज राम जन्मभूमि का मंदिर, राम जन्मभूमि पर अगर जो बन रहा है वो देश के एकता का एक मंदिर बन रहा है, देश की इच्छा आकांक्षा का मंदिर बन रहा है, हर कोई चाहता है उसमें हाथ बटाना। और इसलिए अब हम कार्यकर्ता जमे हैं, जो यहां
आज मुझे पता चला है लगभग 150-200 लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी अच्छी रकम जमा की है। मैं आपको एक आखिर में विनंती करूंगा कि आप निकल जाइए लोगों के पास, पहली अपनी राशि दीजिए जिसकी 10,000 रुपए देने की काबिलियत है वो 20,000 रुपए का तय करे, दे दे, हो जाता है, जो देता है उसको ही मिलता है, कल्चर ऑफ गिविंग। लेकिन जैसे विनायक जी ने कहा, इसमें देना क्या है, कोई दान थोड़ी ना है, ये तो भक्ति भाव से लोग उसमें झोली में डाल रहे हैं। तो अपना पैसा पहले दे दे, फिर लोगों के घर जाए, लोगों से मांगे। और मुझे विश्वास है, आज मैं बता रहा हूं, आपने अनुभव बताइए मुझे, आप लोगों के घर जाओगे तो लोगों का जो रिस्पांस होगा वो इतना प्रभावी होगा कि आप बाद में मुहिम समाप्त करके जब घर में आएंगे तो आप उतना ही राशि फिर से और देंगे, क्योंकि ये जनता का आंदोलन बन चुका है। ये है जनता का आंदोलन, प्यार है। और इसलिए इस देश के कण कण में राम है, जैसे मैंने कहा, कोई मिलता है तो भी राम राम कहते हैं और कोई जाता है तो भी राम नाम सत्य है कहते हैं। तो जन्म से अंत तक राम अपना है ही वहां, जो विरोध करते वो भी सीताराम येचुरी राम है। ऐसे बहुत लोगों के नाम अगर देखोगे तो तमिलनाडु केरल से लेकर अरुणाचल और कश्मीर से आपको सब जगह राम मिलेगा। और जैसे कहा, मलेशिया से लेकर इंडोनेशिया से लेकर सब जगह वो सांस्कृतिक विरासत एक है ऐसा मानते हैं। और इसलिए भले मुस्लिम मजहब का राज्य है वहां, लेकिन वहां रामायण बड़े जोर से होता है। हमारे यहां रामलीला में इतने लोग आते हैं, आप घर तो जाके देखिए, एक घर भी मत छोड़िए। मैं आपको कहता हूं, इस देश का एक भव्य मंदिर निर्माण करने में वो अपनी एक ईंट देना चाहता है। जैसे हमने सरदार पटेल जी का पुतला बनाया है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू हो गया। कैसे हुआ? 6 लाख गांव के किसानों ने कुछ न कुछ लोहे की चीज दे दी। वो शहरों में ज्यादा आंदोलन नहीं किया था, क्योंकि वो मूलतः किसानों ने अपने लोहे का, हल हो या बाकी कोई भी एक लोहे का टुकड़ा उन्होंने देना है, ऐसा लोहा इकट्ठा होकर वो पुतला बना है, वो स्टैचू बना है। तो ये है काम। और इसलिए ऐसा ही ये एक जन आंदोलन है जिससे राम मंदिर का निर्माण होगा, 2 साल में होगा। मोदी जी ने जिस दिन राम मंदिर का भूमि पूजन किया तो सब लोग देख रहे थे, पूरा देश टीवी के सामने था और देख रहा था, इतना आनंद से भरे थे भाव, लोग, महिला, वृद्ध, बालक, सभी प्रकार के लोग वो देख रहे थे दृश्य, और उनको सुकून आया कि इतने साल से चली लड़ाई आज अब एक आखिर परिणाम तक पहुंची है और अब राम मंदिर होगा। और आपको पता है, कार्यक्रम काम शुरू भी हो गया, निर्माण का काम शुरू हो गया, तो आने वाले 2 साल में एक ऐसा भव्य मंदिर बनेगा कि जहां दुनिया का, भारत का केवल हिंदू नहीं, सभी भारतीय वहां जाएंगे और दुनिया के बहुत सारे हजारों करोड़ों लोग भी अयोध्या आएंगे। तब तक अयोध्या नगरी भी योगी जी सज धज के तैयार कर रहे हैं, एक बड़ा अच्छा नगर बनेगा जहां लोग जाएंगे। और नगर में बाकी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन राम मंदिर का दर्शन के लिए जाएंगे और आएंगे। तो इसलिए आप सब लोग ये काम जरूर करिए, ये एक देश का काम है, ये एक मानवता का काम है। राम ने जो गुण दिखाए, राम ने जो आदर्श स्थापित किए, उन आदर्श मूल्यों का ये सत्कार है। और उसी लिए अपना जितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो सब करिए और लोगों तक पहुंचकर लोगों से भी लाइए,
और इस महान काम में आप अपना हाथ बताइए। जैसे फरवरी में, फरवरी तक ये मुहिम चलेगी, तब तक हम भी रोज एक 10-20 घरों में जाना, 40 घरों में जाना, ऐसा तय करके जो योजना बनी है वैसे ही जाना है, उसी एरिया में जाना है और सब जगह लोगों के पास पहुंचकर उनको बताना है। बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राम का मंदिर बनाना है बताने पर बाकी कुछ भी बोलना नहीं पड़ता। हम जब पार्टी के लिए वोट मांगने जाते हैं तो बताना पड़ता है हमने क्या किया, उन्होंने क्या किया, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, ये यहाँ कुछ नहीं बताना है। यहाँ तो सीधे हम केवल राम का मंदिर बना रहे हैं, इतना कहने पर भी ये भाव पैदा होगा। और इसलिए एक स्वयंसेवक के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते, एक राम भक्त के नाते सबने इसमें काम करना है, यही मेरा आप सबको आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन काल में ही भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री राम मंदिर का शिलान्यास किया और अब आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी ने बताया कि लगभग 2 वर्षों में हम सब लोग जाकर वहां पर भव्य राम मंदिर के निर्माण को देखकर आ सकेंगे। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो हमने आज सम्मान समारोह रखा है, जिन्होंने इस निधि समर्पण अभियान के दौरान समर्पण किया है और आज जो समर्पण कर रहे हैं, मैं सबसे पहले केंद्रीय मंत्री